नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, महाराष्ट्र में। केड़कर हॉस्पिटल अकोला में है, जो महाराष्ट्र में है। मैं पिछले कुछ वीडियोस में आपको हाउ टू मोटिवेट ये बता रहा हूँ, हाउ टू गेट मोटिवेटेड ये बता रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट 3। पिछले वीडियो में जो लास्ट पॉइंट बताया था वो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल कम कम होते जाएगा। जो अगला पॉइंट है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज करना। रोजमर्रा में 1 से 1.25 घंटा एक्सरसाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे और फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे उतना आपका जो हार्मोन्स है, डोपामाइन लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। आपने जो देखा होगा कि जो पुराने जमाने में जो पहलवान थे, जो कुश्ती करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मेहनत करते थे, वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री थे। और आजकल के जो कॉर्पोरेट लोग हैं, जो पुणे मुंबई में जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो लोग हैं, जो कंटिन्यू 12-12, 15-15 घंटे काम करते रहते हैं दिमाग से लेकिन फिजिकली कुछ करते नहीं, उनको हर प्रकार की फिजिकल और मेंटल बीमारियां होती रहती है और उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हॉबीज फॉलो करना, हर रोज आधा घंटा अगर हम हमारे हॉबीज या पैशन फॉलो करते हैं, हॉबीज कुछ भी रहे, ऐसे हॉबीज जिसमें हमको फाइनेंशियली कुछ गेन नहीं है लेकिन हमारा मन उससे रिलैक्स हो रहा है, ऐसे हॉबीज फॉलो करना और उसे यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमको स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीना हो तो। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो है डाइट। डाइट ऐसी चीज है जो बहुत ही निग्लेक्टेड है, उसको हम इग्नोर मारते हैं, उसके तरफ ध्यान देते नहीं है। लेकिन अगर हम बराबर खाना खाते हैं, अगर हम प्रोटीनेशियस न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होते जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया, जो आजकल का खाना है वो जंक फूड से भरा हुआ है, समोसा, कचोरी, ऑयली स्पाइसी फूड, पिज्जा, बर्गर, कोक, इसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जरूरत है जिसकी वो मिलते नहीं है, खाली वेस्ट ऑफ कैलोरीज होती है और उसके कारण हमारा जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, साइंस के हिसाब से और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम जंक फूड खाते हैं तो दिमाग में जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और हमारा ब्रेन जो है, कॉग्निशन है, वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। इसीलिए डाइट कंट्रोल करना, डाइट मेंटेन करना और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में कम करने के लिए वो है स्लीप। ये आप ध्यान में रखिए कि अगर आप 7 से 8 घंटे, अगर आप 7 to 8 hours स्लीप आप रेगुलरली रोज लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान देते हैं पढ़ाई के ऊपर और मस्ती के ऊपर और हम बराबर नींद लेते नहीं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे नींद लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो साइंस ऐसा कहता है जो व्यक्ति 7 घंटे नींद लेता है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि नींद ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है पर नींद ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। क्योंकि जब हम नींद लेते हैं तो उसमें जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो रिपेयर होते हैं और उनकी जो प्लास्टिसिटी है वो और तंदुरुस्त होती है। इसलिए नींद लेना, 7 से 8 घंटे नींद लेना ये बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है अगर हमको स्ट्रेस कम करना है तो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पानी। पानी ऐसी चीज है जो हम हमेशा उसको इग्नोर करते हैं लेकिन ऐसा बोला गया है कि 6 से 8 लीटर पानी रोज पीना जरूरी है। साथ ही में सब्सटेंस हमें अवॉइड करना है, अल्कोहल, तंबाकू, गांजा, अफीम, ड्रिंक्स, बियर, वोडका, विस्की, ऐसी बहुत सी तमाम सी चीजें हैं जो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। लेकिन आजकल के बच्चों को, जो एडोलेसेंट ग्रुप है, यंग ग्रुप है, उनको ये समझता नहीं। उनको लगता है कि सब्सटेंस मैंने ले लिया तो मेरा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, मैं कोई भी चीज अच्छे से कर सकता हूँ, किसी के साथ बिंदास बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। अगर हम एडिक्शन या कोई भी चीज की लत पकड़ लेते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है और धीरे धीरे हमारा पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस फ्री जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही सिंपल टिप्स दी है जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं और उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं आपके लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे। मैं आगे जल्दी ही अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।